कोरोना के कारण राजधानी रांची सहित कई इलाकों में होने वाले रथ मेला का आयोजन टल गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ राज्यवासियों से अपील की है कि कोरोना का रूप देखते हुए इस साल भी रथ मेला का आयोजन संभव नहीं है। ऐसे में सभी भक्त अपने घरों में ही भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अपील में कहा है कि कोरोना के कारण देश और राज्य खतरनाक स्थिति से गुजरा है, ऐसे में इस बार भी रथ यात्रा नहीं निकल पा रहा है। और आज इस महामारी में कई त्योहार आए, कई त्योहार चले गए और राज्य में पाबंदी होने के वजह से, देश में पाबंदी होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से उन सभी त्योहारों में हमें जो आम तौर पर हम लोग त्योहार मनाए करते थे वो नहीं मना पाए। इससे पहले भी हम लोगों ने जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा को कराने में असमर्थ रहे, लेकिन अभी भी संक्रमण गया नहीं है, इसलिए इस बार भी बहुत दुख के साथ हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि इस बार भी रथ यात्रा हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये यात्रा नहीं होना हमें भी काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन आज की जो हालात है, आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में यही निर्णय बेहतर है। आज सुरक्षित रहेंगे तो कल भी हमारा सुरक्षित होगा, इसलिए आप सब लोगों से क्षमा चाहते हुए ये कहना पड़ रहा है कि इस बार हम लोग रथ यात्रा करने में असमर्थ हैं। हम लोग घरों में ही अपने भगवान को याद करें, पूजा अर्चन करें और आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और पूरा राज्य सुरक्षित रहे। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने बिना किसी भक्त और आयोजन के सिर्फ विधि विधान से पूजा करने की बात कही है। देखिए, नित्य कर्म जो मंदिर का होता है पूजा पाठ वो तो होगा। 7 बजे सुबह कल अन्नभोग लग जाएगा, नहीं सुबह प्रातः 6 बजे आरती होगा, उसके बाद 7 बजे अन्नभोग लगेगा, उसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाएगा, फिर आपको जो भी हम लोग का होता था रथ यात्रा जब हम लोग निकालते थे, विष्णु सहस्रनाम का पूजा होता पाठ होता था और जगन्नाथ अष्टकम, ये जो कार्यक्रम ये तो संपन्न होगा। रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी? नहीं, रथ यात्रा निकालने कुछ प्रश्न ही नहीं है। कितने लोग रहेंगे मंदिर में? कमेटी और मंदिर कमेटी तो 101 आदमी का मांग किए थे, लेकिन उसमें 61 व्यक्ति माने 61 व्यक्ति का परमिशन मिला है। तो जो रांची वासी या जो मंदिर देखने के लिए आते थे उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कल नहीं आने मना करते हैं तो भीड़ लग जाएगी आने से? नहीं, हम लोग तो किसी को मना कहा क्यों करेंगे, जिनका आस्था जुड़ा हुआ है जगन्नाथ जी का इस मंदिर के पीछे, हम लोग तो मना करने वाले कुछ नहीं होते, कोई व्यक्ति ही नहीं है, अपना पहाड़ में इधर उधर घूम के जाते हैं, बाहर में पूजा करके जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।